रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की है ये राय, ऊंचे स्वयमान की है ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें। परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये है रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। रूहानी राहें इस रूहानी कार्यक्रम की रूहानी राहों पर आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, रूहानी जीवन मानव जीवन में बसंत की तरह होता है, जिससे चिरकाल शीत के बाद कलियों के खिलने जैसा एहसास होता है। और ऐसे रूहानी जीवन को जीने वाले मानव का जीवन भी बसंत के आगमन के जैसा होता है। उसके साथ शील, स्नेह और तप देता है, उनका सानिध्य उल्लास से भर देता है। ज्ञान योग से संपन्न संयमी जीवन अपनी वाणी से, कर्मों से सात्विक जीवन जीने की ओर प्रेरित करता है। और ऐसे ही योगी से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं। आप हैं भ्राता अमीर चंद जी। आप चंडीगढ़ में निवास करते हैं और पंजाब जोन की सेवाओं का कुशलता से संचालन करते हैं। सभी को रूहानी बसंत का रंग देते आदरणीय भ्राता अमीर चंद जी से मुलाकात करते हैं आज के इस एपिसोड में। ब्रह्मा कुमार अमीरचंद भाई जी, आपका जन्म 1939 में पाकिस्तान में हुआ। धार्मिक परिवार से जुड़े होने के कारण बचपन से ही आप परमात्मा की खोज में अग्रसर रहे। हरियाणा के करनाल में सन 1958 में आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। सेवा केंद्र के शांत वायुमंडल और ब्रह्मा कुमारी बहनों के योगी पवित्र जीवन की आपके मन पर गहरी छाप पड़ी। पार्टीशन के बाद भारत में आने के बाद हम लोग, परिवार हमारा जालंधर में सेटल हो गया। और इस विद्यालय से, ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ने से पहले मेरा जीवन वैल्यूज के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा अटेंशन हुआ करता था। सच्चाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और धार्मिक निष्ठा भी, ईश्वर में मेरा विश्वास बहुत दृढ़ था। और जो भी मैं कार्य करता था, लौकिक में भी, परिवार में, चाहे मैं पढ़ता था, तो मेरा ध्यान ईश्वर की तरफ बहुत रहा करता था। मगर एक बात जो मुझे कभी कभी मन में आती थी, वो ये आता था कि लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, भक्ति करते हैं, उपवास रखते हैं, मैं भी करता था, मगर वो है कौन? ईश्वर का सत्य परिचय क्या है? इस बारे में मेरे मन में बहुत ही उत्कंठा बनी रहती थी और मैं कई बार कईयों से पूछता भी रहता था कि आखिर में भगवान है कौन, उसका सत्य स्वरूप क्या है। संस्था की आदि रत्न राजयोगिनी दादी मनोहर इंद्रा द्वारा आपको ईश्वरीय सत्य का परिचय और इससे जुड़ने की विधि सीखने को मिली। संस्था द्वारा सिखाई जा रही मानसिक शुद्धता व पवित्रता की बात ने आपको बहुत प्रभावित किया। जब मैं उन दिनों करनाल हरियाणा में था तो मेरे पास एक भाई आया और उसने मुझे ये कहा कि यहाँ पर देवियाँ आई हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाती हैं, इसलिए उन्होंने मुझे, वो मेरे निमित्त बने और मुझे इस विश्वविद्यालय में लेकर के आए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सबसे पहले जो मैं जब इस विद्यालय में पहले दिन आया
और वहाँ के वातावरण को देखा तो पहला थॉट संकल्प मुझे यही आया कि ये वो स्थान है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ और जो मेरे संकल्प है, मेरे विचार हैं, मेरी इच्छाएं हैं, वो मुझे यहाँ मेरा सब पूरा होने वाला है। ये थॉट मुझे पहले दिन ही आया। मुझे बाद में जो हमारी उस समय की वहाँ पर संचालिका थी दादी मनोहर इंदिरा दादी जी, जिनको हम कहते हैं, जो बाद में यहाँ माउंट आबू में आकर के और ज्ञान सरोवर की भी अध्यक्षा बनी थी, वो मेरी पहली टीचर थी। और उन्होंने मुझे कुछ समय के बाद ये बताया था कि जिस दिन आप पहले दिन यहाँ पर आए थे और आकर के सामने बैठे थे, तो मुझे ऐसे लगा था कि ये मेरा भाई है जो फिर से लौट करके परिवार में आ गया। इस विद्यालय में आने के बाद जैसे मुझे परिचय मिला और ये बात मैंने सुनी कि इस धरा पर परमपिता परमात्मा आ करके साकार प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से पुनः सतयुगी सृष्टि से दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो मेरे मन में बहुत ज़ोरदार संकल्प था कि कब वो समय आएगा जब मैं पिता श्री ब्रह्मा बाबा जी से उनके माध्यम से निराकार परमात्मा से मिलने के लिए पहुंचूंगा। और वो शुभ घड़ी आ गई। मई 1959 में पहली बार मेरा माउंट आबू में पिता श्री ब्रह्मा बाबा के माध्यम से निराकार परमपिता परमात्मा शिव से मिलने का मौका मिला। मेरे रोमांच खड़े हो जाते हैं वो सीन जब मेरी नज़रों के सामने आता है कि मैं पिता श्री ब्रह्मा बाबा के सामने, हम लोग 3-4 भाई बहनें करनाल से आए थे, और जब उनके सामने हम बैठे पिता श्री ब्रह्मा बाबा के सामने और बाबा की नज़रों में देखा तो था जैसे कि प्यार का सागर उमड़ रहा है, जैसे कोई बाप के संकल्प आ रहा है कि आओ बच्चे आप आ गए, बिछड़े हुए मेरे बच्चे आ गए, ऐसा जैसे बाबा ने दृष्टि दी। और एक मिनट भी नहीं जो मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊँ और मैं अपनी जहाँ मैं बैठा हुआ था मुझे पता नहीं लगा, मैं उठा और पिता श्री ब्रह्मा बाबा के गोद में उनसे मिलने के लिए उनसे उनके पास पहुँच गया, गले मिला, और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी जन्म जन्मांतर की वो संकल्प था मिलने का ईश्वर पिता से वो पूरा हो गया। आप 1959 में पहली बार मुख्यालय माउंट आबू आए और संस्था के संस्थापक और परमात्मा शिव के साकार माध्यम पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मिलकर आपको सच्चे रूहानी प्यार और अपनेपन की अनुभूति हुई, जिससे आपने निश्चय कर लिया कि मुझे अपना शेष जीवन ईश्वरीय कार्य में लोगों की सेवार्थ लगाना है। मेरे निश्चय और विश्वास में दृढ़ हो गया कि ये कार्य स्वयं परमपिता परमात्मा साकार प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से कर रहे हैं और माउंट आबू में पिता श्री ब्रह्मा बाबा का निवास स्थान है, वहाँ पर पिता श्री ब्रह्मा बाबा रहते हैं और उनके द्वारा शिव बाबा आकर के ये ज्ञान की मुरली वाणी सुनाते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब ये बात समाचार अंदर सुनता है व्यक्ति, तो बहुत बड़ी बात है, ये कहने में तो बहुत छोटी सी लगती है कि निराकार परमपिता परमात्मा जो सर्वात्मा को रूहानी पिता है, वो पुनः आकर के सतयुगी नई दैवी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि एक तीव्र इच्छा पैदा होती है कि क्यों हम जल्दी से जल्दी सन्मुख जा कर के हम वो अनुभव खुद करें और वो मिलन मनाएं, जिसे आत्मा का परमात्मा से मिलन कहते हैं, सुखद अनुभव। तो मेरे मन में भी इच्छा जागृत हुई। वक्त मैंने देखा कोई भी भाई बहन, छोटा बड़ा, उस वक्त 4-5 दिन के बाद उनकी ऐसी स्टेज मनोवृत्ति बन जाती थी कि कोई भी वहाँ से जाना नहीं चाहता था। अंदर इतना असीम प्यार, जो जितने दिन हम वहाँ रहते थे, बाबा की केयरिंग नेचर, इतनी विचित्र सारी चीज़ें हम लोग देखा करते थे रोज़ ही,
कई दफ़ा बाबा रात को कमरों में चक्कर लगाने आ रहे हैं, बच्चों को कोई कठिनाई तो नहीं है, कभी किसी को भेज रहे हैं कोई कहाँ छोटा मोटा मच्छर को तो नहीं किसी को तकलीफ है, जैसे कि हर बच्चे की केयरिंग। फरवरी 1968 में चंडीगढ़ में रहते हुए आपके कुशल नेतृत्व में देश विदेश में अनेक राष्ट्रीय सम्मेलनों, आध्यात्मिक मेलों, सामाजिक उत्थान अभियानों, यात्राओं व कार्यक्रमों के माध्यम से मूल्यनिष्ठ समाज के पुनर्निर्माण की दिशा में कार्य हो रहा है। मई 68 में मैं माउंट आबू में बाबा की जो कॉटेज, ये कॉटेज तो अभी हमने बनाई है, अपना रूप दिया है, बाबा की कॉटेज तो बड़ी सिंपल थी, गर्मियों में बाबा वहीं दिन में लेटा करते थे या किसी से मिलते थे, बाबा ने टाइम दिया, मैं गया कॉटेज में, बाबा लेटे हुए थे। हाँ बच्चे सुनाओ समाचार चंडीगढ़ का कैसे है, चंडीगढ़ कैपिटल टाउन है, बाबा जानता है तो बाबा वो तो राजधानी है, वहाँ बहुत सेवा होगी, म्यूजियम बनेगा, बहुत सेवा होगी, बाबा ऐसे ऐसे लेटे लेटे बोल रहे थे बाबा। तो मैं वहाँ पर जब गया था, दो तीन महीने मुझे हुए थे, वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन या कुछ और सब चीज़ें तो ऐसी थी कि वहाँ सेंटर चलाना ही मुश्किल था। बाबा कह रहा म्यूजियम बनेगा, बाबा कह रहा वहाँ सेवा होगी बहुत, तो मैं बाबा की तरफ देखते देखते मेरे आँखों में आंसू आ गए कि बाबा जो कह रहा है वो मैं कैसे, हम कैसे पूरा करेंगे। तो बाबा ने देखा कि मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, बाबा लेटे हुए थे, बाबा उठे और बाबा ने मुझे गले लगाया, फिर दृष्टि दी और मुझे कहा कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, दो तीन बार बोला, फिर मैंने कहा बाबा मैं समझता हूँ कौन कह रहा है, बाबा सब प्रबंध करेगा, आप जाके अच्छा सा मकान देखो, वहाँ नज़दीक में ब्रिजबोन बच्चा है नंगल में, मैं उसको सब अभी लिख देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, हम लोग वापस आ गए और हमने देखा कि ब्रिजबोन भाई के पास भी बाबा का पत्र चला गया, वो हमारे से पूछने लगे, चक्कर लगाने लगे, हम लोगों ने बिल्डिंग बदल ली, अच्छा मकान ले लिया। ये सिलसिला भी चल ही रहा था कि हमने वहाँ म्यूज़ियम बनाना है, लकड़ी भी ले ली गई, सारी तैयारी हो गई और 18 जनवरी को बाबा व्यक्त हो गए 69। ये 68 की बात है जो मैं सुना रहा हूँ। तब हम लोग, हमारे लिए ड्रामा की बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी, मगर वो जिसको उसको एक्सेप्ट किया हम सब ने, वो तो एक अलग कहानी है। उसके बाद दादियों की मीटिंग हुई, पहली मीटिंग, और उसमें कहा गया कि बाबा कह के गया कि चंडीगढ़ म्यूज़ियम बनेगा, इसलिए हम चंडीगढ़ म्यूज़ियम बनाएंगे, और दादी ने कहा उसका उद्घाटन करने मैं खुद आऊँगी। तब वहाँ का म्यूज़ियम तैयार करवाया गया। अक्टूबर 69 को पंजाब के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बलराम जी दास टंडन उसका उद्घाटन करने आए, दादी जी और सारे वरिष्ठ भाई बहने वहाँ पहुँचे, म्यूजियम का उद्घाटन हो गया। तिरतालीस वर्ष की आयु में आप हरियाणा के वित्त विभाग में अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे, तब आपने सरकारी नौकरी से स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले ली ताकि आप अपना पूर्ण समय समाज को श्रेष्ठ बनाने के कार्य में लगा सकें। इस समय से ही मैं पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मिला था, तब से एक ही संकल्प को, एक ही धुन को ये लगी रहती थी कि कैसे मेरा ये जीवन संपूर्ण रीति से, समय और संकल्प मेरा इस ईश्वरी सेवा में लग जाए। मैं जब बाबा से मिलकर के आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था तो उसी वक्त मैंने एक पोस्ट कार्ड प्यारे बाबा को वहीं पोस्ट किया था आबू रोड स्टेशन पर ही कि मीठे बाबा मुझे ऐसे लग रहा है
जैसे एक फूल अपनी टहनी से टूट गया है और मुरझा रहा है। तो जैसे ही मैं अपने स्थान करनाल में पहुंचा था तो प्यारे बाबा का गोल्डन शब्दों में लिखा हुआ पत्र मिला कि मीठे बच्चे, आपको यहाँ से अलग नहीं हुए हो, बल्कि आपको बाबा ने सेवा के लिए भेजा है। अपनी जॉब भी करते रहो, अपने लौकिक परिवार की जिम्मेवारी भी संभालो और बाबा के कार्य में सहयोगी भी बनो। ये सिलसिला मेरा 1982 तक चलता रहा। इस बीच में पिताश्री अव्यक्त हो गए, सेवाओं का कारोबार बढ़ता चला गया। तब मुझे दादी प्रकाश मणि जी, जो उस समय हमारी मुख्य प्रशासिका थी, उन्होंने लिखा कि अमीरचंद भाई, आपकी लौकिक जॉब 25 वर्ष की हो गई है और आप रिटायरमेंट ले लो। उनके आदेश अनुसार मैंने 3 महीने का नोटिस दे दिया और 1 दिसंबर 1982 को अपने लौकिक जॉब से फारग होकर के मैं ईश्वरी सेवाओं में समर्पित हो गया। इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर इत्यादि देशों में जाकर भी आपने भारत की प्राचीन राजयोग व आध्यात्मिक संस्कृति का संदेश विश्व के विभिन्न धर्मों, भाषाओं व संस्कृति के लोगों तक पहुंचाया है। आदरणीय दादी जी ने मुझे यूके, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन की सेवा पर भेजा लगभग 1 मास के लिए, और वहाँ से लौटने के बाद कुछ ही समय के बाद मैं दुबई में भी गया सेवा के लिए, और 2 साल पहले रशिया में भी जा कर के वहाँ पर प्यारे बाबा का संदेश जन जन तक पहुँचाया। मुझे बहुत खुशी है कि जहाँ भी मुझे योग्य समझा जाता है और जहाँ का मुझे दिशा निर्देश मिलता है, आदेश मिलता है, मैं बहुत ही प्यार से और अपनी लगन से, मेरा यही संकल्प रहता है कि मैंने सबकी दुआओं का पात्र बनना है और सबकी दुआ लेकर के मेरा जीवन आगे बढ़ रहा है। मैंने विदेशों में जा कर के देखा, कमाल की बात देखी मैंने कि कैसे वहाँ के भाई बहनों का मन में बाबा के लिए कितना प्यार है। मैंने देखा कि कैसे अव्यक्त बाप दादा देश विदेश में वहाँ के बच्चों की पालना करते हैं। जो सबसे बड़ा कमरा वहाँ पर था, बहुत ही अच्छी तरह से प्यार से उसको फर्निश भी किया हुआ था और वो था बाबा का कमरा। और उन्होंने अपने लिए जो स्थान जहाँ पर वो रह रहे थे, भाई भी और बहनें भी, बहुत ही विचित्र सीन मैंने देखा कि जैसे 3 टायर ट्रेन में होता है वो उसी ढंग से रहते थे, मगर उन्होंने बाबा के लिए और क्लास के लिए जो स्थान निश्चित किए हुए थे वो बहुत बड़े थे। उनकी श्रद्धा और भावना देख करके मैं दंग रह गया। ख़ास तौर पर मैं जब रशिया में गया, मास्को में और सेंट पीटर्सबर्ग में, तो वहाँ की सेवाओं को देख करके कि कितने निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे, समर्पित, रियल मायने में ट्रस्टी जो परिवार में रहती है, तो वहाँ की जब भाई बहनों को मैंने देखा तो मुझे लगा कि प्यारा बाबा कहाँ भी बाबा के बच्चे हैं उनकी पालना कर रहा है। ब्रह्मा कुमार अमीरचंद भाई जी एक कुशल वक्ता, अनुभवी प्रशासक, सच्चे कर्मयोगी और नियम मर्यादाओं पर चलने वाले सिद्धांत प्रिय व्यक्ति हैं। भाई और बहनों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपने विश्वास को अंदर एक बात जरूर लाएं कि परम पिता, ईश्वर पिता कौन है, उसके सत्य परिचय को प्राप्त करें। और दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि समय को पहचानें। ये जो समय है, ये समय बहुत नाजुक है। आज का समय परिवर्तनशील है, युग बदल रहा है। ये पाप की दुनिया नहीं रहेगी और सतयुगी दुनिया पुनः आने वाली है।
इसलिए मेरा भाई और बहनों से निवेदन है कि वो अपने जीवन में दिव्य गुण और शक्तियों को का विकास करें, अपने को आने वाली श्रेष्ठ दुनिया के योग्य बनाएं और अपने साथ साथ अन्य आत्माओं को भी ऐसी पावन और श्रेष्ठ दुनिया में जाने के लिए प्रेरणा दें। चेहरे पर दिव्यता व कर्मों में कुशलता को लिए ब्रह्मा कुमार अमीर चंद भाई जी का आदर्श जीवन लोगों को सच्चाई ईमानदारी की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। आज आपने मुलाकात की रूहों को रूहानी सुकून देने वाले भ्राता अमीर चंद जी से और उनके बेहद अलौकिक और प्रतिभाशाली जीवन के बारे में जाना। भाइयों बहनों, आत्मिक स्नेह से सर्व के लिए कल्याण के भावों से भरा जीवन जीवन मुक्ति का अधिकारी होता है और ऐसा जीवन जीने वाले साक्षात दिव्य मूर्त होते हैं और बेहद खूबसूरत होते हैं और ऐसे दिव्य सुंदरता से सजे दिव्य मानवों को लाती रहेंगी आप तक रूहानी राहें। ओम शांति। नमस्कार।